हेलो दोस्तों, आ गया है आपका सीबीएसई गुरु करने आपकी क्लास शुरू। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन के बारे में, जो कि एक प्रोसेस है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का, और इस प्रोसेस को लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था 1857 में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, मेडिकल यूज़ जैसे हम दवाइयाँ बना सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablet, capsules or injections such as penicillin. तो ये क्या बोलते हैं कि जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स आपको कोई एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स और इंजेक्शंस देते हैं। तो वो इंजेक्शंस ज़्यादातर पेनिसिलिन के होते हैं। The source of these medicines is microorganisms। तो देखिए आप कि ये जो कर्ड है, ब्रेड है, फिर ये जो कमर्शियल यूज़ होता है अल्कोहल में, और ये अभी तो मेडिकल में भी, ये सारा इनका सोर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं। तो देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। दीज मेडिसिंस किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। मतलब ये जो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, जो इन दवाइयों में यूज़ होते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को रोकते हैं या फिर मार ही देते हैं जो हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। सच मेडिसिंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिंस को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बींग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। देखिए, आपको ये बैक्टीरिया एंड फंगाई याद रखना है, क्योंकि आजकल ये जो होते हैं कई एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगाई के को यूज़ करके बनाई जाती हैं। देखिए अभी है, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये 1929 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, वो वर्क कर रहा था एक बैक्टीरिया कॉजिंग मतलब सॉरी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के ऊपर। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लांट। तो प्लेट्स, तो ये बोलता है कि अचानक से इसने, ये जो है अलेक्जेंडर, इसने स्पोर्स देखे छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड्स के, ये उन उसकी एक कल्चर प्लेट पे। ही ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस है, ये ग्रोथ उसकी बंद कर देती है, मतलब दूसरे बैक्टीरियाज की ये मोल्ड। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दोज बैक्टीरिया। मतलब उसने कईयों को तो मार भी दिया था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। यानी अब इस मोल्ड से हमारी मोल्ड पेनिसिलिन जो हमें डॉक्टर्स देते हैं वो प्रिपेयर की गई थी। द एंटीबायोटिक्स are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। यानी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये मैन्युफैक्चर होती हैं ये किसी स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करके, और ये क्योर करती हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी वेराइटी की डिजीज़। एंटीबायोटिक्स आर मेड और इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ये जो है एंटीबायोटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो हम फीड करते हैं ना लाइफ स्टॉक, ये मिलाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स में, ताकि हम वो चेक कर सकें कि इनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है जानवरों को। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेस। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये प्लांट डिजीज भी कंट्रोल करती हैं।
It is important to remember that antibiotics should be taken only in the advice of qualified doctor. Also, you must finish the course of prescribed doctor. यानी जो है हमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी चाहिए और हमें वो डॉक्टर के द्वारा बताए गए कोर्स को पूरा करना चाहिए, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर. यानी अगर आप एंटीबायोटिक्स आप ले लेते हो जब इनकी ज़रूरत नहीं होती और गलत डोज में, तो ये जो होता है वो कम एफिशिएंट हो जाते हैं जब आपको फ्यूचर में कभी चाहिए होगी एंटीबायोटिक्स. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये अगर अननेसेसरीली ली, मतलब कभी भी ले ली ऐसे फालतू में, ये किल मार सकती हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में. एंटीबायोटिक्स हाउएवर हैव नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस. तो इससे हमें पता चलता है कि कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये वायरसेस द्वारा कॉज की जाती है. एक बात इससे हमें ये पता चली कि एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल CBSE गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.